हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण सिंगार विद साक्षी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में ये जो मटेरियल शेयर कर रही हूँ, जो मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और उनके एक्सेसरीज बनाने में यूज़ करती हूँ, जो भी उनका ज्वेलरी और ड्रेसेस बनता है, और ये मैंने कुछ यहाँ से लोकल मार्केट से परचेज किया है और कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग किया है। ये मैंने बॉल चेन मंगाया है कलरफुल में, क्योंकि उस टाइम मार्केट में मुझे मिला नहीं था। तो ये वन पैकेट में वही 2-2 मीटर ही है, लेकिन ये बहुत सारे कलर में है, तो मुझे इसलिए मल्टी कलर में ये चाहिए थी। तो ये मुझे ऑनलाइन पड़ा 279 का। ये मुझे एक पैक पड़ा जिसमें ये 10 कलर हैं 2-2 मीटर के। तो ये मैंने 2 पैक मंगाए हैं, इसमें भी अलग अलग कलर हैं। ये काफ़ी अच्छा है, मैंने ये पहले भी यूज किया है। तो एक मैंने ये मंगाया है और एक ये मैंने ये मंगाया है, मैंने बॉल चेन, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। इसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, ये मुझे मतलब मिनिमम हम लोग 20 मीटर मंगा सकते थे, तो मैंने ये 20 मीटर मंगाया है। इसका प्राइस मुझे मार्केट के हिसाब से ऑनलाइन में बहुत अच्छा पड़ा, बट प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो मैंने ये 20 मीटर मंगाया है। पर मेरा यूज़ हो जाता है ज़्यादा भी, क्योंकि मैं ड्रेसेस और इनका ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ है मैं ऑर्डर पे भी बनाती हूँ, तो इसलिए मेरा ये सब यूज़ हो जाता है। ये पर्ल चेन है जो डेकोरेशन में बहुत काम आता है। और एक मैंने ये कुंदन मंगाए हैं, ये स्क्वायर शेप में है। ये भी मैं ज्वेलरी बनाने में यूज़ करती हूँ और ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये भी 6 टाइप में है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। और ये मुझे ऑनलाइन काफ़ी अच्छा पड़ गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट काफ़ी मतलब सस्ता पड़ गया था। क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है बट प्राइस अच्छे थे, और क्वांटिटी ज़्यादा है तो लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं है, यूज हो जाएगा। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। और ये सब मैं एक ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, जिस तरह से ये है, ये स्टोन्स हैं ज्वेलरी बनाने के लिए स्पेशली यूज होते हैं, और जो हम ड्रेस को डेकोरेट करते हैं उनके लिए मैं जो पैच बनाती हूँ वो मैं इन्हीं से ही बनाती हूँ, तो मेरा ये उसमें भी यूज होता है। तो ये भी काफ़ी सारे कलर्स में हैं। ये देखिए, इसमें राउंड शेप में भी 8 कलर हैं, और जो ये ड्रॉप शेप में है इसमें भी 8 कलर हैं। तो ये मुझे मल्टी कलर में ही चाहिए था ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए और ज्वेलरी डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने ये भी ऑनलाइन मंगाया है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। और एक मैंने ये गोपाल जी के लिए, जो कृष्ण जी के लिए मैं पगड़ी बनाती हूँ, तो मैं उसमें और ड्रेसेस बनाती हूँ उसमें वेलक्रो यूज़ करती हूँ, मैं ये वेलक्रो लेके आई हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ डोरी, इनसे मैं गोपाल जी की पगड़ी डेकोरेट करती हूँ, उनके लिए पैचेस बनाती हूँ, पैच उनकी जैसे कि मतलब मोर पंख से बनाती हूँ, अटैचमेंट पग अटैचमेंट बनाती हूँ, तो ये मैं उनके लिए लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, तो ये भी पग बनाने में यूज़ होंगे। और ये 2 लेस लेके आई हूँ मैं, जो हम लोग ड्रेस के बॉर्डर पे अटैच करते हैं स्पेशली गोटा पट्टी के लिए, एक ये गोल्डन कलर में और एक ये सिल्वर कलर में, 2 ये लेके आई हूँ। और एक ये है, ये 2 पैक में था। हाँ फ्रेंड्स, एक ये रानी पिंक कलर की है, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, इनसे मैं जब पैच बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और एक ये लाए हैं हम लोग जर्कन चेन, ये बहुत अच्छी है डेकोरेशन में बहुत काम आती है। और एक ये जर्कन रिंग स्पेशली ज्वेलरी में माला वगैरह बनाने में बहुत अच्छे से यूज़ होती है। और एक मैं ये लाई हूँ जरदोशी, स्पेशली लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी, राधा रानी की और कान्हा जी की ज्वेलरी, माता रानी की ज्वेलरी, बहुत अच्छा लुक आता है इसको यूज करने से। ये 2 कलर में आती है, सिल्वर में और गोल्डन में, मैं गोल्डन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मैं गोल्डन में लेके आई हूँ। और एक ये
उनकी माला बनाने में यूज़ होते हैं। ये छोटे छोटे थोड़े लोकेट टाइप हैं, ये लेते हैं देखिए गोल्डन कलर में गोल चेन। ये सब मैंने मेरे पास कुछ पहला भी रखा था और मैं अभी कुछ और एक्स्ट्रा लेके आई हूँ क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम बंद हो जाती है, कुछ पता नहीं चल रहा आजकल। एक ये लाए हैं गोल्ड के रिंग हैं, ये भी माला में ही यूज़ होते हैं, ये भी गोल्डन चेन है। और एक मैं ये लाई हूँ गोल्डन बीट्स जो लड्डू गोपाल जी की माला में यूज़ होंगे। और एक फ्रेंड्स ये मल्टी कलर में स्टोन्स हैं छोटे वाले जो उनकी ड्रेसेस पे भी यूज़ होते हैं, ये ड्रॉप शेप में है वाइट में। और ये मल्टी कलर में स्टोन है छोटे वाला जो मतलब हम लोग अटैचमेंट या फिर उनकी ड्रेस पे यूज़ करते हैं बोलते थे। और ये बीट्स बहुत छोटे वाला है जो हम लोग माला बनाते हैं, माला के लास्ट में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और एक मैं ये मैं धागे लाई हूँ रेशम के, इनसे मुझे लड्डू गोपाल जी की मटकी तैयार करनी है, तो ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। ये मैं फाइव कलर लाई हूँ, तो देखिए जब मैं मटकी बनाऊँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये रेशम के धागे हैं, ये मुझे बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लगे, इनसे हम ड्रेस भी डेकोरेट कर सकते हैं। और स्पेशली इनसे जो हम लोग अपनी ड्रेस में लटकन वगैरह यूज़ करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और ये मैं रिबन लाई हूँ फ्लावर्स बनाने के लिए, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। लेकिन ये पतले वाला इलास्टिक लाई हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी के जब अंडर गारमेंट्स बनाती हूँ तो उसमें मैं ये यूज़ करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग फैब्रिक देखते हैं। एक फ्रेंड्स मैं ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लाई हूँ, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, ब्रोकेड वर्क में है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसका ड्रेस मैं देखती हूँ कब बनाऊँगी। एक मैं ये फैब्रिक लाई हूँ मुझे बहुत प्यारा लगा था। और एक ये लाई हूँ मैं पिंक कलर का, ये जैसे माता रानी का लहंगा राधा रानी का लहंगा उसमें बहुत अच्छी लगेगी, और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस क्योंकि इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आती है तो उनकी ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी। तो अभी मुझे पता नहीं है मैं कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ करूँगी, बट ये मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई। और ये मैं नेट लेके आई हूँ क्योंकि मैं नेट की ड्रेसेस थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। ये देखिए ये मैं फाइव कलर्स में नेट लेके आई हूँ, ये मुझे, और ये मैं लाइनिंग का कपड़ा लाई हूँ नीचे लगाने का, और दो मैं ये शाइनिंग वाले क्लोथ लेके आई हूँ। इनसे मैं सोच रही हूँ कि इससे मैं अभी तीज के लिए ड्रेस बनाऊँ और ये वाला मैं जन्माष्टमी के लिए बनाऊँ। अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मैं उनके ड्रेस कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ। एक मन कर रहा है कि राधा रानी के लिए गाउन बनाऊँ, एक मन कर रहा है कि राधा रानी के लिए लहंगा और चोली बनाऊँ, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं राधा रानी के लिए लहंगा बनाऊँ जन्माष्टमी के लिए या फिर गाउन बनाऊँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये शॉपिंग की है, अभी मेरी कुछ शॉपिंग थोड़ी बाकी है क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे बट बारिश हो रही थी तो ज़्यादा शॉप्स खुली हुई नहीं थी तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई। और मैं ये थोड़ा मैं तो इसलिए ज़्यादा लेके आती हूँ क्योंकि मैं ऑर्डर के लिए ड्रेस और ज्वेलरी और पगड़ी वगैरह सब बनाती हूँ। और अगर आपको किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट करके आपको शॉपिंग कैसी लगी मटेरियल की। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।